बिकॉज आज सुबह मुझ पर अटैक हुआ है और प्रॉपर गन शॉट हुआ है, गोली चली है। बड़ा हम लकी कि मुझे लगी नहीं, और थैंक्स टू मयंक, मयंक साथ था तो मयंक ने मुझे बचा लेकिन लिया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। तो हरियाणा के एक आर्टिस्ट ने पता नहीं किस गुस्से में बस टकराए, मिले, दो बातें की और मुझ पे गन शॉट कर दिया। तो दोस्तों, इट्स मासूम शर्मा, एक हरियाणवी सिंगर है जिन्होंने अभी मतलब हरियाणा में काफी सारे गाने दिए हैं, 10-15 साल से शायद वो काम कर रहे हैं। रोहतक में एक जगह है सन सिटी हाइट्स, मैं वहां रहता हूँ 9th फ्लोर पे, और इत्तफाकन वो पहले से रहते थे और अभी कुछ वक्त पहले वो मेरे नीचे शिफ्ट हुए हैं। सडनली मुझे सीढ़ियों पर टकराते हैं, कुछ छोटी सी बहस होती है, वो गन पॉइंट करते हैं और गोली चला देते हैं डराने के लिए। मुझे तो गन शॉट का निशान मैं नहीं ढूंढ पाया हूं अभी, मुझे नहीं पता क्या मसला था। और बहुत देर तक मुझे गन दिखा के बातें करते हैं और आई एम ब्लेस्ड कि वो सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। वो सारा कुछ होता है, मैं बहुत देर तक बहस करता हूँ क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा ना। मतलब मैं रोहतक में रह रहा हूँ अभी, तो मुझे तो ये था कि रोहतक एक ऐसी सिटी है जो सेंटर में है, जिससे आप बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। उन्होंने जो बहस हुई वो हुई और मैं आकर अपने रूम में बैठ गया ऊपर अपने फ्लैट में। सडनली 10 मिनट के बाद ऊपर आते हैं अपनी गन के साथ, बैठते हैं और आकर मुझे बोलते हैं कि फ्लैट छोड़ दो अभी, ये खाली करो। मैंने कहा दोस्त मैं तो अभी नहीं छोड़ पाऊंगा क्योंकि मैं तो किसी काम से रह रहा हूं, क्यों छोड़ दो? नहीं, अभी छोड़ दे बस, तेरे को बोला चल, तेरे को 15 दिन की मोहलत दी, ऑनर नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं क्या रीजन है, तू फ्लैट छोड़ दे और गन रखी हुई है मेरे सामने, गोली मार देंगे अभी। मैंने कहा भैया जी मार दो फिर और देखा जाएगा। मैंने कहा 1 महीने से पहले तो नहीं छोड़ूंगा। तो भैया जी ने बोला कि अगर 1 महीने की बात है तो आज आज ही आपसे फ्लैट खाली कराएंगे। और मेरे पास हाथ है, मेरे पास उंगलियां हैं, मेरे पास बकैती है, मेरे पास सब है, मेरे पास गन नहीं है। तो मुझे लगा कि राइट वे जो हो सकता है तो पुलिस से बात की जाए, और मैंने लोकल पुलिस से बात की है। मैं इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड हो जाए और आप लोगों तक पहुंच जाए, और आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा दीजिए, क्योंकि मैनिपुलेशन यहीं से शुरू होता है, चीजें बदलती यहीं से, सबूत भी बदलते हैं, सब कुछ बदलते हैं। तो पुलिस आई और पुलिस ने सीसीटीवी देखा, सीसीटीवी फुटेज देखा, और मैंने उनसे बोला कि मेरे साथ हुआ है तो मैं रिकॉर्ड कर लूँ। तो पुलिस ने बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप मत रिकॉर्ड करो। तो मुझे रिकॉर्ड नहीं करने दिया गया, वो पुलिस ने ही रिकॉर्ड किया है। लेकिन मुझे पुलिस पे पूरा बिलीव है कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को रिकॉर्ड मेरे सामने ही किया है, तो उसको संभाल के रखेंगे। और जो जेन्युइनली होना चाहिए, ये इट इज नॉट ओनली अबाउट मी, सिर्फ मैं नहीं, हरियाणा में बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट है कि वो मुझसे पहले बहुत लोगों पे गन पॉइंट कर चुका है, मे बी मैंने उसको जेस्चर नहीं दिया कि हाँ भाई मैं डर गया, तो उसने एक फायर मार दिया, एक फायर, नॉर्मल फायर, एक गन शॉट, एक गन शॉट सिर्फ आवाज करता है, अगर किसी के शरीर पे ना पड़े तो पड़ जाता तो भाई मैं सिद्धू हो जाता आज। मैं मेरे को बोलना नहीं चाहिए मैं सिद्धू कभी भी नहीं हो सकता, सिद्धू सिद्धू है, लेकिन मैं जा सकता था। तो मैं आप लोगों को अपडेट करना चाहता हूं, अवेयर करना चाहता हूं कि ऐसा ऐसा हुआ है, और मुझे सिस्टम पे पूरा बिलीव है, मुझे पुलिस पे पूरा बिलीव है कि इसको संभाला जाए, मतलब ऐसा किसी और के साथ ना हो। मैं टेलीफोनिक, मेरी आज से 4 साल पहले उस इंसान से बात हुई थी, उसके बाद 25 दिन पहले, 20 दिन पहले करीब उससे मेरे फ्लैट पे मेरी बात हुई थी, और द लास्ट कन्वर्सेशन वॉज
कि हमारी आखिरी बात क्या हुई है। ही सेड कि तुम लोग जो कर रहे हो एक्टिंग फैक्टिंग, वो भाई सुपा से पास आउट है, मुझे नहीं पता मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, वो सुपा से पास आउट है। वो कहता है कि तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो ये कुछ नहीं है, और करेंगे हम एक दिन। मैंने कहा मोस्ट वेलकम भाई, काम होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में बात की, यशपाल सर के बारे में, सतीश कौशिक सर के बारे में, बहुत से लोगों के बारे में बात की। मैंने कहा ठीक है यार, वो कर तो रहे हैं ना एक इन्वेस्टमेंट। ऐसा एक ऐसा एक कॉन्वर्सेशन हुआ था मेरा 20-25 दिन पहले, मुझे नहीं पता था कि ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा। मुझे नहीं पता था कि मैंने एक लौता प्रोजेक्ट किया हरियाणा में, उसका रिफ्लेक्शन मुझे ये मिल जाएगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी देख रहे हैं एटलीस्ट इसके बारे में बात होनी चाहिए। इट्स नॉट फॉर मी, ये सब लोगों के लिए है कि कोई भी किसी भी फॉर्म को भर के कोई भी किसी सिफारिश से एक हथियार ले ले और उससे लोगों को डराए, या डराए क्या मतलब, वो मिस भी कर सकता था, कुछ भी हो सकता था, वो मुझ पे भी चला सकता था। थैंक गॉड मुझ पे नहीं चला है। मुझे ऐसे लपेट लपेट के बातें नहीं करनी आती, मैंने फैक्ट फैक्ट बोल दिया है। तो मैं नाम जरूर रिपीट करता हूं, प्लीज उस आदमी के बारे में आप लोगों को बात करनी चाहिए और लोगों को पता लगना चाहिए कि एक गन लेकर आप कुछ नहीं, मतलब एक गन लेकर आप किसी को भी कुछ भी नहीं कह सकते। मैं वो नाम रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, मासूम शर्मा। और मैं चाहता